आज का जो प्लान है 23x42 23x42 में प्लान मिलेगा। एक्चुअली 23 फीट 8 इंच है, 23 फीट 8 इंच है, एग्जैक्टली 8 इंच आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से प्लान मिलेगा जिसमें आपको 4 बेडरूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, हॉल, बरामदा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया है दोस्तों। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और आपको एक डिटेल हम बताते हैं। पहले आप बता देते हैं आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम आपके यहाँ पे यूज हुए हैं। जो भी कॉलम है मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया है, इसको थोड़ा मैं हाइट पे करके आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर रहे कि आपके कॉलम से। तो रेड कलर के आपके जो भी मार्क हैं सारे कॉलम है। इस सिंगल फ्लोर के लिए कॉलम आप दे रहे हैं तो 10x10 का दीजिए। अगर आप फ्यूचर में चाह रहे हैं कि फ्यूचर हमको 2 फ्लोर 3 फ्लोर रखना है तो आप 10x12 या 9x12 का आप दे सकते हैं। जो भी आपको कॉलम यहाँ पे देना है सिंगल फ्लोर के लिए 4 सरिया आपको 12mm का देना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सिंगल फ्लोर के लिए ही कॉलम दिया है। अगर आप उसके ऊपर जा रहे हैं तो कॉलम का साइज़ आपका बढ़ जाएगा और सरिये का भी साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितने नंबर आप कॉलम होंगे? पीछे 3 कॉलम, 3 3 6 और ये 3 9 3 12 और ये 3 15 कॉलम्स इसमें आपके टोटल हो जाएंगे दोस्तों। ये प्लॉट असल में क्या है, 2 साइड से ओपन है, 2 साइड से क्लोज है दोस्तों। जिधर क्लोज है उस साइड वाली वाल को मैंने 5 इंची रखा है, जिधर ओपन है उस साइड वाली वाल को मैंने 9 इंच का रखा है फॉर सेफ्टी रीजन, ताकि कोई तोड़ करके अंदर मकान में ना घुसे। तो बाहर की जो दीवार है जिधर क्लोज है उसको मैंने 5 इंची का रखा है, तो इसको भी दिखा देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी वाल्स 2 साइड से आपकी क्लोज है, तो इधर की वाल को मैंने यहाँ पे 5 इंची के इस तरीके से रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी 5 इंची की दीवार आपकी हो जाएगी। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा। कोई नक्शा बनवाना तो नंबर मैंने शुरुआत में दिया, आप हमसे कांटेक्ट करके नक्शा वगैरह बनवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, और इस साइड वाली वाल को मैंने 10 इंची का रखा है, या फिर 9 इंची या 10 इंची, जो भी आपको अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। 10 इंची का वाल रखा है, बाहर की इस साइड की दीवार को मैंने 5 इंची का रखा है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी 10 इंची की वाल कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। फ्रंट में आप, अब इसके बाद आपका होता है कुर्सी लेवल। कुर्सी लेवल आप 2 से 2.5 फीट 3 फीट तक रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउन कर दीजिए मकान और कुर्सी का कुछ पता ही नहीं कि 8 फीट ही रख रहे हैं, तो ये गलत है। मकान हमेशा कुर्सी का लेवल जो है हमेशा अच्छा खासा रखें। इससे 2 वजह हैं, अगर आपका कभी रोड वगैरह भी बनती है तो उससे क्या होगा कि आपके मकान में जो है रोड, मान लीजिए अगर आपने अभी 1 फीट रखा है मौके पर, अगले पंचवर्षीय में आपकी रोड बन जाएगी, जो भी पानी है आपके मकान में घुसेगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिए ताकि एक बार मकान बनाने के बाद 20-30 साल तक इसको ऊपर ना कराना पड़े। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुर्सी लेवल यहाँ पे डिवाइड हो गया। फ्रंट में आपकी ये इस तरीके से रैंप बन जाएगी, यहाँ पे आपकी पार्किंग स्पेस इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साइजेस भी मैं बताऊंगा तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। और पार्किंग से ही लगा हुआ एक आपको बेडरूम मिल जाता है, ये आपका गेस्ट रूम हो जाएगा। इस गेस्ट रूम का दरवाज़ा आपका यहाँ पे इस तरीके से आपका लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका मेन गेट लगेगा, ये आपका मेन गेट हो जाएगा इस तरीके से, आप देख लीजिए ये आपका मेन गेट यहाँ पे इस तरीके से आपका लग जाएगा। इसके बाद आता है फिर ये किचन। किचन के प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं इस तरीके से ओपन किचन यहाँ पे बनाया गया है, और किचन का प्लेटफॉर्म इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका हॉल एरिया मिल जाएगा, छोटा सा ठीक ठाक स्पेस में आपको हॉल मिलेगा। अभी मैं साइज़ आगे आपको बताता हूँ कितने साइज़ में यहाँ पे रखा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक दरवाज़ा ऑप्शनल दरवाज़ा, क्योंकि इस साइड भी रोड है, 2 साइड ओपन है क्लाइंट का प्लॉट, तो इस साइड एक दरवाज़ा आपका इस तरीके से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे दरवाज़ा लग जाएगा दोस्तों। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपको सीढ़ी, इस तरीके से आपका सीढ़ी मिल जाएगा। सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बाथरूम देना है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो ये आपको दूसरा बेडरूम मिलेगा, इस साइड देखेंगे तो आपको ये दूसरा बेडरूम, इसका दरवाज़ा आपका यहाँ पे इस तरीके से आपका लग जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका यहाँ पे एक दरवाज़ा आपका लग जाएगा, ठीक है। ये आपका दरवाज़ा लग जाएगा। अब पीछे साइड चलेंगे तो 2 बेडरूम आपको मिलते हैं, ठीक है। दोनों बेडरूम इस तरीके से आपके रहेंगे, ये आपका पहला बेडरूम। इस बेडरूम से अटैच वाशरूम आपका बनाया गया है, इससे अटैच करके एक लैट्रिन बाथरूम यहाँ पे बना दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक अटैच वाशरूम आपके यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा बेडरूम मिलता है, इसका दरवाज़ा आपका सीढ़ी के नीचे से आपका हो जाएगा। जब सीढ़ी ऊपर हो जाएगी, मैं आपको अगर डिटेल सीढ़ी बना कर भी दिखाऊँगा उसमें आपको तब क्लियर हो पाएगा किस तरीके से आपका ये रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका इस तरीके से जब सीढ़ी आपकी अप हो जाएगी तो इस तरीके से आपके यहाँ पे
दरवाज़ा लग जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से, आपके यहाँ पे इस तरीके से दरवाज़ा लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्लान है, पूरा मकान कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये दो साइड से आपकी पूरी खिड़कियाँ ओपन हो जाएंगी। यहाँ से एंट्री किया आपने, ये आपका पार्किंग स्पेस हो गया, रैंप से एंट्री किया, ये आपका पहला बेडरूम। इस बेडरूम में दो, यहाँ पर दरवाजा दिया गया, दो विंडो हो जाएगी, एक इस साइड में एक इस साइड में, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपको गली मिलती है जो कि 3.5-4 फीट जो भी है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे ओपन किचन बनाया गया, इस किचन का एक विंडो आगे दिया है, एक विंडो आपका गली की तरफ। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा हॉल मिलेगा, एक ऑप्शनल दरवाजा बाहर इस साइड में निकलने के लिए, और एक यहाँ पे विंडो दिया गया है छोटा सा, ठीक है। इस साइड की बात करें तो ये आपको दूसरा बेडरूम मिलेगा, पहला बेडरूम शीश लगा हुआ, दूसरा बेडरूम ये दरवाजा हो जाएगा, ये आपका खिड़की हो जाएगा। अब सीढ़ी को समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। सीढ़ी आपको जो रखना है 7 से 7.5 इंची रखेंगे तो ही आपका इसके नीचे टॉयलेट बाथरूम बनेगा दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अभी मौके पर इसको 7.5 इंची रखना है, और ये स्टेप्स आपको इस तरीके से डॉग लेग रूम बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इसके नीचे टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे बनना, आपको बनाना है। तो जो टॉयलेट है इसका जो एरिया है, यहाँ पे जो थोड़ा सा एरिया आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा आप डाउन कर दीजिएगा, 6 इंची 8 इंची आप इसको डाउन कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका दरवाज़ा आराम से लग जाएगा। इसको आपको यूज करने में फिर दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इसके नीचे जा करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका दरवाज़ा जैसे लग जाएगा, ये जब डाउन रहेगा तो यहाँ दरवाज़ा लग जाएगा 6 फिट का, इसको यूज करेंगे 6 इंची 8 इंची डाउन रहेगा, आराम से नीचे आप यूज़ कर सकते हैं, और पाइपिंग इसके नीचे से आपका हो जाएगी। इससे क्या है, पाइपिंग का भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और जब सीढ़ी आपकी ये अप हो गई तो इसके नीचे आपका ये दरवाजा हो गया दोनों बेडरूम का, और ये आपका टॉयलेट बाथरूम एक बेडरूम से अटैच करके बनाया गया है। तो चलिए अब साइजेस की तरफ, और आपको साइज समझाते हैं किस तरीके से साइज वगैरह यहाँ पर बनाया है दोस्तों। पहले यहाँ पर अगर हम बात करें प्लॉट का, तो आप देख सकते हैं 23 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई रखी गई है, ठीक है। और लंबाई की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 42 फीट है, 23 फीट 8 इंच × 42 फीट में आपको ये बेडरूम बनाया, मतलब टोटल एरिया बनाया गया है। और पार्किंग स्पेस 11 फीट × 11 फीट 6 इंच का आपको इस पार्किंग स्पेस मिलेगा। इसके बाद ये बेडरूम मिलता है 10 फीट 6 इंच × 11 फीट का पहला बेडरूम। दूसरे बेडरूम की अगर बात करें तो ये भी 10 फीट 6 इंच × 11 फीट का। अब यहाँ मिलता है आपको पैसेज 3 फीट 7 इंच का, आपको इस तरीके से पैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आगे मिलेगा आपको 6 फीट 2.5-7 फीट का आपको ये किचन एरिया मिलता है इस तरीके से। उसके बाद 6 फीट 7 इंच × 11 फीट 6 इंच में आपको ये हॉल एरिया आपको इस तरीके से मिलता है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका 5x6 में आपको टॉयलेट बाथरूम मिल जाएगा, और उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है 11 फीट 6 इंच × 10 फीट 6 इंच का आपको ये पहला बेडरूम, पीछे की तरफ जो बेडरूम बनाया गया है, और दूसरा बेडरूम 10 फीट 6 इंच × 10 फीट 6 इंच का आपका इस तरीके से बनाया गया है। सीढ़ी आप देख सकते हैं 3 फीट 3 इंच में, बीच में आपका 6 इंची रेलिंग के लिए गैप रहेगा, रेलिंग वगैरह लगाने के लिए गैप रहेगा। 3 फीट 3 इंच एक सीढ़ी का साइज रखा गया, दूसरे का साइज 3 फीट 3 इंच है, और टोटल की बात करें तो ये आपके 7 फीट में सीढ़ी इस तरीके से बनाया है दोस्तों। तो ये प्लान आशा करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्लान का अलग अलग एंगल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये प्लान आशा करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। कोई नक्शा बनाना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर शुरुआत में दिया है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, हम तब तक विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।